हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो हम जो है, इट्स संडे टुडे। हम उठ गए थे और मैंने अलमीरा भी साफ कर दी। बस झाड़ू पोछा रहता है, लेकिन उससे पहले हम ये रात वाले कड़ी चावल निपटा रहे हैं। और उसके बाद हमें आज हमारा लास्ट डे है दोस्तों, 15th डे ड्राइविंग का। इसके बाद हम ड्राइविंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने 15 ही दिन के पैसे दिए हैं और हम सीख चुके। और कोर्स भी 15 दिन का होता है और हम सीख चुके। मुझे लग रहा है हम पहले इंसान होंगे जो पूरा 15 दिन गए हैं, वरना लोग 10 दिन जाते हैं, 7 दिन जाते हैं। हाँ। सीख जाते हैं, अपने चला रहे हैं। क्योंकि बाद में तो प्रैक्टिस ही है, बट हम चला के आते हैं बिकॉज हमने पैसे दिए, तो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए ना। अगर यस, तो हम जाके आते हैं दोस्तों। वी आर कार रेडी। तो मैंने आपको बताया नहीं दोस्तों, ये पीछे बहुत धुंध है, ये इस दीवार के पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जैसे आपको मैं नजर आ रही हूँ। सो बहुत ठंड होने लग गई है भाई। और ये जी अमित गाड़ी चला रहा है। हमारा आज ड्राइविंग स्कूल में, मतलब 15 दिन का जो ये कोर्स था, ये फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और हम दोनों काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं कि अब हमें ये वाली गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो ये गाड़ी बहुत खटारा थी, ठीक है। तो अब देखना ये है कि हम कौन सी गाड़ी लेते हैं जल्दी ही, और फिर हम उसको चलाएंगे। ये और यहाँ पर मैं जो है रवीना की लाइव देख रहा हूँ, उपलक्ष्य में जो है लाइव देख रहा हूँ। और यहाँ पर रवीना आपको सामने दिख ही रही होगी, और मैं जो है इंकलकेट लर्निंग का फर्स्ट फैन हूँ जिसे इंकलकेट लर्निंग की टी शर्ट मिली है। वाह! और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट तो आपको दिख ही रहे होंगे दोस्तों। तो 100K के सेलिब्रेशन में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए जी, अपना ही ब्लॉग देखता हुआ इंसान, एक बार रोक लीजिए इसको। और ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारी टी शर्ट पहन के इंकलकेट लर्निंग, क्योंकि मेरी लाइव थी। और अमित ने भी बहुत पेशेंट लाइव सुनिए सारी, है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग थी ना। मैं तो सुनता हूँ वैसे जब भी पॉसिबल हो मेरे लिए। चलो जी, लेकिन 9:30 हो गए हैं और हमने आज खाना नहीं खाया दोस्तों। कोई बात, सीधा दिखाओ एक बार। क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं ही कह रहा था कि ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो अच्छे से दिखाओ। हाँ, मुझे भी दिखाओ जरा। फर्स्ट फैन ऑफ इंकलकेट लर्निंग जिसको ये टी शर्ट मिली, थैंक यू, जिसने खुद ही बनवाई है। क्या बात है सर। नहीं, जिसने क्या, हमने बनवाई है। हमें तुम्हारे अलावा, अच्छा, लेना जिस मतलब फर्स्ट फैन हूँ इंकलकेट। तुम मेरे अलावा फर्स्ट सब्सक्राइबर भी हो अमित, तो मैं याद रहूंगा इस उपलक्ष्य में, तो याद रहना चाहिए ना, है ना। फर्स्ट हो तुम्हें जिसे टी शर्ट मिली थी मैम के हाथों, इंसान, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है मुझे। इसको तो अच्छा लग रहा है। अब लाइव में बच्चे टी शर्ट मांग रहे, मैं किस किस को दूं? और कॉस्टली बढ़ती है भाई, घर से खर्चा कैसे आएगा। हाँ, अरे पहले अच्छी टी शर्ट कॉस्टली पड़े, फिर लिखवाना भी कॉस्टली लग रहा था। क्राइटेरिया होना चाहिए, आई अग्री, क्योंकि आप बच्चों से नहीं ले रहे हो, आपका कोई और सोर्स नहीं होगा जब कमाने का, तो आप कुछ एक क्राइटेरिया रखो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आपको मिलेगा, है ना। वो मैंने JRF तो बोल दिया, क्योंकि नेट भी बोला तुमने, JRF भी बोला, है ना, एक बोलना चाहिए। नेट तो बहुत सारों का हो जाता है यार, इंकलकेट लर्निंग से हो जाता है। रे ना, ये तुम्हें अभी भ्रम है क्योंकि तुम्हारे पास मेल ही 20-30 आते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में स्टूडेंट देखे ना जिनको टी शर्ट चाहिए होगी, तो तुम कहोगी इतनी टी शर्ट, और जब उनका बिल बनेगा क्या क्या ऐसा, तो शायद क्राइटेरिया कुछ और है ना। चलो, मैं क्राइटेरिया सोच के बताऊंगी किस किस को मिलनी चाहिए टी शर्ट फ्री में। ठीक है, अभी के लिए आलू उबाल रखे हैं, तो अमित को आलू का पराठा खिला देते हैं। काफी टाइम हो गया, लेकिन भूख लगी है, और आलू का पराठा बनाते हैं दोस्तों। I'm first friend, दोस्तों ठीक है, चलो जी। हाँ जी, तो ये है आटा, ये है आलू, और उसमें है धनिया, नमक, मिर्च। रविन्द्र जी बना रही है पराठे, और इंकलकेट लर्निंग की टी शर्ट। क्या बात है, इंकलकेट लर्निंग की टी शर्ट दोस्तों, ये आपने देख ही ली होगी। और इतना बड़ा पराठा, इतना बड़ा पराठा दोस्तों, वो तो शुक्र है कि ये तवा और बड़ा नहीं था, वरना तो पता नहीं कितने बड़े बड़े पराठे बनते कि एक ही पराठे में पेट भर जाता। हाँ, वो जो पाव भाजी वाला बड़ा तवा होता है ना, वो अगर होता ना अमित, तो तुम्हारा आधे पराठे में ही पेट भर जाता। हाँ, तो शुक्र है, भगवान का शुक्र है रवीना जी का, कि छोटा तवा लेके आइए और छोटे छोटे पराठे बनाए। छोटे पराठे
इनको 5-7 खाने पड़ रहे हैं। हाँ जी, और बहुत टेस्टी खाना बनाती है रवीना, जैसा कि मैं आप लोगों को लगभग ब्लॉग्स में बताता ही रहता हूँ। और अब ये रेडी हो जाएगा दोस्तों, मैं तो खा लूंगा, फिर मैं रवीना को खाते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ठंडा नहीं करना है भाई। इतने में जो है मैं लेके जाता हूँ थाली में, सेकंड भी ऐसे हो जाए ना, तब ऐसे उतरा हो तो इसको दे तो ठंडा हो गया। फिर ब्लॉग के लिए फटाफट से लेता हूँ और ये मोबाइल रख के आता हूँ, हाथ धोता हूँ, इतने में वापस आता हूँ तो वो ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों ये सिर्फ मैं जब उतरने वाला होगा तब एक बार के लिए आप लोगों को दिखा दूंगा, उसके बाद फिर रवीना जी को खाते हुए दिखाएंगे, ये समझ लेना कि मैंने खा लिया है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट बन गया है, फटाफट से मैं अपनी प्लेट रेडी कर लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, बाय। ये एग्जॉस्ट की आवाज आ रही है दोस्तों, डिस्टर्ब ना हो, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में पराठा खाने के। तड़प रहे हैं तुमसे मिलने के लिए जैसे हाथ। ये देखिए दोस्तों, ये है रवीना जी का पराठा, इसके नीचे हाफ से ज्यादा पराठा और है, रवीना जी नीचे ऊपर से पता नहीं कैसे कैसे करके खा रहे हैं, देखिए। तो ये अपने हिसाब से खाने के लिए ऊपर रखा। ओके ओके ओके, चलिए जी। और यहाँ पर बटर भी है रवीना जी के लिए और घी भी लगाया है। कुछ नहीं डाला मैंने, सिर्फ इसमें आलू, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और हरी मिर्च बस। इसलिए बहुत टेस्टी पराठा बनाया दोस्तों, सिंपल येट टेस्टी, सिंपल और टेस्टी। चलिए आप एंजॉय करते हैं इसे। सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू डे। ठीक है, तो नए दिन में आपका स्वागत है जी। कल संडे था, आज धूप भी निकली हुई है, सो एवरीथिंग इज फाइन, मौसम बिल्कुल बढ़िया है। और रवीना बना रही है पोहा, टेस्टी टेस्टी, जिसको धूप में खड़े होके खाएंगे। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे प्याज भुन रहे हैं, ऑफ कोर्स विद कड़ी पत्ता, जब आपके पास कड़ी पत्ते का ऑप्शन हो तो आपको ऐड कर लेना चाहिए। अच्छा, कल संडे था तो मैंने आपको एक बात नहीं बताई, हमने पूरा दिन बहुत अच्छी सी सफाई की थी, डस्टिंग वस्टिंग और पोछा झाड़ू सब कर लिया था। ओके, तो साफ सफाई मेंटेन करना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। ओके, अब हम पोहा बनाते हैं और ऊपर चलते हैं। ये देखिए जी, पोहा रेडी है। ये देखिए जी, अमित जी भी रेडी हैं। अमित जी ने अपने पोहे में नींबू डाला है। आज मैंने पोहे में सिर्फ नमक और हल्दी डाली है। आज मेरे पास देगी मिर्च नहीं थी और मैं लेके भी नहीं आई, मैं कहा कोई बात नहीं छोड़, ठीक है उसके बिना भी काम चल सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम ये पोहा एंजॉय करते हैं। अमित जी आपको सूर्य उदय दिखाएंगे। चलिए अमित जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कहता सूर्य उदय ना, सूर्य भगवान जी आ चुके हैं कब के। अच्छा, तो उदय तो वो कब के हो चुके हैं। सो इधर अगर आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं तो देखिए। क्या गाना गा रहे थे? जो ट्रक आ रहा है ना ऊपर से, उसका हॉर्न है सर। अमित जी गा रहे थे, जाओ जमाना छोड़, जमाना छोड़ देंगे एक हम। बार और बजा दे, अभी कुछ आएगा सामने तो बजाएगा। चलो जी, तो क्या बताना था? ये बताना था कि हम लोग खाना खा रहे हैं और थोड़ा सा काम है आज काफी, अभी सैटरडे संडे हो गए, सफाई भी हो गई, मजे भी हो गए, सारी चीजें हो गई, रेस्ट भी हो गया, अब काम पे फोकस करते हैं पूरा अपना। फ्राइडे को एग्जाम है नेट पर, तो देखते हैं। देखा सुना ना, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये बात अमित पोहे को कह रहा है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में रवीना जी ने बोल दिया तो बोल दिया है। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोनों चैनल्स पे प्यार लुटाते रहिए और बाय।